द्रौपदी मुर्मू हो सकता है आपके लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के बाद एक परिचित नाम बना हो, लेकिन कई लोगों के लिए खासतौर पर उड़ीसा में ये एक परिचित नाम रहा था। बहरहाल अब उनके साहस की कहानियां भी सामने आ रही हैं। बहुत मुमकिन माना जा रहा है, बहुत तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति होंगी, और ये भी तय माना जा रहा है कि ये एक बीजेपी का बहुत ही सूझबूझ भरा फैसला रहा है। पहली बार एक आदिवासी चेहरा राष्ट्रपति पद पर आसीन होगा और ये देश भर के आदिवासी समाज को एक बड़ा संदेश होगा। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ बातें जानने जैसी हैं। उनका जीवन अपने आप में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है और इसमें काफ़ी दर्द भी है, और आज उनकी ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसकी वजह से द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्षों से भरा दिखाई पड़ता है और इन संघर्षों से उभर कर आज वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के लिए तैयार हुई हैं। 27 अक्टूबर 2009 की घटना है। वक्त सुबह के 7 बजे थे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में हलचल तेज थी। यहाँ एक घर में 25 साल का एक युवक बिस्तर पर बेसुध मिला। घर वाले आखिरी उम्मीद के साथ अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये लाश थी लक्ष्मण मुर्मू। लक्ष्मण मुर्मू कोई और नहीं बल्कि पूर्व मंत्री या अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के बेटे थे। वहीं द्रौपदी मुर्मू जो आज भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए से देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, संख्या बल के लिहाज से उनका राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। आज हम आपको द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी के बारे में बताएंगे कुछ घटनाएं, इसमें उन सबसे दर्दनाक घटनाओं के बारे में भी बात करेंगे जिसने द्रौपदी का हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही आपको बताएंगे 5 साल के त्रासद दौर से मुर्मू परिवार के निकलने की कहानी। द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरगंज जिले के बैदपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जाति समूह से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू था जो कि एक किसान थे। द्रौपदी के दो भाई हैं भगत टुडू और सरेनी टुडू। द्रौपदी की शादी श्यामाचरण मुर्मू से हुई थी। उनसे 2 बेटे और 1 बेटी भी हुई है। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक भी बनी। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर कार्य किया। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनररी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। ओडिशा के रायरंगपुर जिले में पार्षद चुनी गईं। इसके बाद वो जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी चुनी गईं। वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ीं। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें बीजद और बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री भी बनाया गया। 2002 में मुर्मू को ओडिशा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2009 में वो रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतीं। इसके बाद 2009 में वो लोकसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। 2015 में द्रौपदी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के साथ ही वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन जाएंगी। इसके अलावा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब भी उनके नाम पर जाएगा। 64 वर्षीय द्रौपदी राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत भी बनेंगे। 3 चीज़ें उनके साथ जुड़ती हैं। 2009 में हुई लक्ष्मण मुर्मू की मौत रहस्यमयी रही। लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। इस घटना के वक्त द्रौपदी रायरंगपुर में थीं। बताया जाता है कि लक्ष्मण जो बेटे थे उनके, शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त घर छोड़कर गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वाले डॉक्टर्स के पास ले गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस रहस्यमयी मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। ये घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के भीतर हो गई। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई कई दिनों तक वो ध्यान करती रहीं। तनाव को दूर करने के लिए राजयोग सीखा। संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा भी लिया। 2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामाचरण मुर्मू की भी मौत हो गई।
बताया जाता है कि श्यामा चरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्यामा चरण बैंक में काम करते थे। अब द्रौपदी मुर्मू के परिवार में केवल बेटी इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री बैंक में ही नौकरी करती हैं। मुर्मू ने हमेशा से संघर्ष किया है, पहले पढ़ाई के लिए और फिर परिवार के दर्दनाक हादसों से उबरने के लिए, जिन्होंने बहुत परेशान उन्हें किया इन हादसों ने। हालांकि उन्होंने समाज के लिए हमेशा अच्छा काम किया। मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनके पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव भी है। संघर्षों से आगे बढ़कर अपने जीवन को मजबूती के साथ सामने रखने वाली, एक प्रेरणा के तौर पर अपने जीवन की कहानी को रखने वाली द्रौपदी मुर्मू का अब राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।